नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 6 हेड कांस्टेबल सहित 10 जवान शहीद हुए हैं। नागरिक की भी मौत हुई है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है। जी हाँ, दरअसल हमारे 11 जवान को नक्सलियों ने काराना हरकत करते हुए शहीद कर दिया है। आपको बता दें, यह घटना दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र के पिड़का रोड में हुई है। दरअसल हमारे जवान सर्चिंग पर निकले थे। यह घटना कल बारिश होने की वजह से हमारे जवान जंगलों में फंस गए थे, जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला को अंजाम दिया है, जिसमें हमारा 10 जवान और एक गाड़ी जवानों की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को शहीद होना पड़ा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अंतिम घटना नक्सलियों द्वारा होगी। हम पूरी तरह से नक्सलियों के को खत्म करने में लगे हुए हैं और अब उनका आखिरी समय चल रहा है। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने फोन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से घटना की जानकारी ली और मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि घटना को लेकर जो भी केंद्र सरकार से मदद होगी वह पूरी मदद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलेगी। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइस न्यूज, रायपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। आज बीजेपी कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में कूदे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कई अलग अलग शहरों में प्रचार किया है। इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर वहां पर पार्टी की बखान किए, कई तरीके की बातें करी और जमकर कहीं ना कहीं विपक्षियों पर भी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में पहले पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो शुरू की जाती थी, लेकिन वो कभी उनकी शुरुआत नहीं हो पाती थी या वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, लगातार विकास की नई इबारत को गढ़ा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस भी चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो इस तरीके से विकास के कार्य लगातार अब देश के अंदर हो रहे हैं। दुनिया का जो परसेप्शन है वो बदला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान जो सबसे अहम बात रखी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो कर्नाटक में ही उनकी मुलाकात बजरंगबली से हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दोनों ही राज्यों में जो है आपसी संबंध जो है वो जुड़ाव का है और इसीलिए आज अगर आप देखें तो कर्नाटक में फिर से एक बार जब चुनाव का वक्त आया है तो कर्नाटक के जो लोग हैं वो बीजेपी को वापस लाना चाह रहे हैं और इसीलिए एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 के पहले पहले राम मंदिर तैयार हो जाएगा, जो इतने सालों तक भगवान राम इंतजार करते रहे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए जो है इतना भव्य मंदिर का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, 2024 के पहले पहले उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर धार्मिक मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, ठीक उसी गरज के साथ आज कर्नाटक में प्रचार प्रसार करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। एक प्राइवेट मीडिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद आप और बीजेपी में तकरार देखने को मिली है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है सीएम केजरीवाल ने अपने घर को बनाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। एक प्राइवेट मीडिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब आप और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन शीश महल। इसके दौरान बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए
अरविंद केजरीवाल ने जो कि सीएम है दिल्ली के, उन्होंने अपने आवास को बनाने में खर्च किए हैं, रिनोवेशन किया है और इसमें एक एक बारीकी चीजों का ध्यान रखा गया है। पर्दे की बात की जाए तो लाखों का पर्दा मंगाया गया है और ऐसे 52 पर्दों के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि कुल 1 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मार्बल भी फॉरेन से इंपोर्ट कराए गए हैं, यानी कि फॉरेन से मार्बल मंगाए गए थे। और ये इन पूरे चीजों को लेके अब बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पे। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि स्पेशली दिल्ली के सीएम को महाराजा कोट किया है। उन्होंने कहा है कि ये वही महाराजा है जिन्होंने अपने पहले कार्यालय के दौरान जब सीएम की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी कोई बत्ती नहीं चाहिए, ना मुझे लाल बत्ती चाहिए, ना मुझे बड़ा सा शीश महल चाहिए। और आज देखिए अब इनके रिनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी के साथ बता दें संबित पात्रा ने कहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम हो चुके थे कोरोना काल में, उस दौरान उन्होंने रिनोवेशन कराया। अब समझ में आया कि आखिर ऑक्सीजन गैस जो है वो दिल्ली के अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंच पाया, आखिर उसमें पैसे क्यों नहीं लगे, क्योंकि तमाम पैसे जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने में, रिनोवेट करने में लगा दिए। इसी के साथ संजय सिंह जो कि आप सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब सिर्फ मात्र एक बहाना है ताकि बाकी मुद्दों से भटकाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय सिंह ने ये भी कहा है कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भी आवास में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उनको 500 करोड़ रुपए की रकम दी गई है ताकि वो रिनोवेट कराए। 1942 में दिल्ली में ये सीएम का आवास बना था, उस समय ये आवास में से पानी टपक रहा तो इतना कच्चा था, इसको तोड़वा के दोबारा बनवाया गया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा सीएम के आवास में खर्च हो रहा है, सरकारी आवास है, तो इससे बाकी लोगों को दिक्कतें क्या है। और इसी के साथ बता दें कि बीजेपी लगातार सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ कई बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, भारी रोष बीजेपी में देखने को मिल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पे नजर आ रही है। जानकारी दे रहे कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है, अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया है और कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूं, क्योंकि ये वो खुद का नहीं कर रहे रिनोवेशन बल्कि वो सरकारी आवास का कर रहे हैं, तो इसमें भलाई बुराई क्या है। और इसी के साथ जानकारी दे रहे हैं कि सीएम ये वही सीएम है जिन्होंने कहा था कि मैं एक पैसा नहीं सरकार का लूंगा, मुझे 4 से 5 कमरों वाला सिर्फ आवास चाहिए, ये सिर्फ एक मुद्दा है जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रिएक्शन निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का चौथा दिन है, मामले पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। भारत के पदक विजेता पहलवानों ने लगातार 4 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर उनकी अपनी मांगों को लेकर। लेकिन पहलवानों का कहना है जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, ब्रजभूषण जो पहलवानों के अध्यक्ष हैं उस पर आरोप लगाया है कि वो मानसिक रूप से जो है लड़कियों को छेड़ा है, उनका मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद जब पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि उनकी जो है खेल मंत्री से भी मुलाकात हुई, तो खेल मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि उनको पूरी तरीके से आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद भी पहलवानों को लगातार धरना प्रदर्शन, अभी 4 दिन से लगातार पहलवान जंतर मंतर पर अड़े हुए हैं। पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, लेकिन अभी तक FIR भी दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो दिखती है कि पहलवानों के लिए देश के सबसे पहले आते हैं जंतर मंतर पर। बीते 3 दिन से धरने पर बैठे पहलवान ने आज चौथा दिन का है प्रैक्टिस के और पेज भी जारी किए। जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का धरना अभी भी जारी है, लेकिन इस दौरान भी सड़क पर कसरत करते नजर आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग कर रही है। साथ में महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अन्य को नोटिस जारी किया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, CPM नेता वृंदा कारात ने भी किया था समर्थन। बता दें कि बीते दिन से ही पहलवानों के समर्थन देने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, CPM नेता वृंदा और कांग्रेस नेता उदित राज भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि जो पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पहलवानों के धरना प्रदर्शन में आज चौथा दिन है तो 3 रात खाले आसमान के नीचे गुजर चुके हैं। पहलवानों का यह कहना है कि जब तक हम न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं।
और जब तक पहलवानों की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए पहलवानों को तो उसके बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पहलवानों का कहना था कि जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। पहलवान जो है वहाँ पर रोडों पर उतर कर जो है कसरत कर रहे हैं, तमाम वहाँ पर देर पास जो है करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी के बाद यहाँ पर जो पहलवानों को कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। ऑपरेशन कावेरी के तहत पहला विमान सूडान से 148 भारतीयों को लेकर जिदा पहुंचा। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। सूडान में गृह युद्ध से हालात बेहद खराब है, ऐसे में भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों को वहां से बाहर निकाल रही है। बुधवार को ऑपरेशन कावेरी के तहत तीसरा एयर इंडिया का विमान 135 यात्रियों को लेकर सूडान से सऊदी अरब पहुंचा। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री ने ट्वीट कर लोगों को बताया कि कैसे ऑपरेशन कावेरी के तहत हम भारतीयों को सूडान से बाहर निकालकर सऊदी अरब पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले दो विमानों का जत्था भारतीय लोगों को लेकर सऊदी अरब पहुंच चुका है, जिसमें से एक विमान में 148 यात्री शामिल थे तो दूसरा INS पोत के तहत यानी समुद्री रास्ते के तहत 122 लोगों को सऊदी अरब पहुंचाया गया था। इसलिए अभी लोगों को जो भी सूडान में स्थित हैं वो संयम बरते, सरकार का कहना है आपको वहां से जल्द निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस की टीम लगातार चार धाम के कवरेज कर रही है। आपको बता दें, इस बार श्रद्धालुओं को ऑल वेदर रोड की सुविधा के चलते जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। पल भी आएंगे जब उत्तराखंड का चौथा धाम धाम है जिसकी विश्व मान्यता है बद्रीनाथ धाम, उसके कपाट खुलने के लिए कुछ ही घंटे बचेंगे। बद्रीनाथ धाम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कपाट खुलने के से पहले जो बद्रीनाथ धाम को जो सजाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यहाँ पर किया जा रहा है। 15 क्विंटल दिनों से इस बार बद्रीनाथ धाम को सजाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। गेंदा जो तैयार है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मंदिर के जो सिंह द्वार है द्वार को पूरा सजाने का काम यहाँ पर हो रहा है। मंदिर में आप कह सकते हैं कि 100 डोली है जो कुबेर जी ने लगाई जाती है, 200 डोली थी वो यहाँ पर आ चुके हैं। और सजाने के लिए जो गेंदे फूलों का प्रयोग होना है वो यहाँ पर है, उनकी माला बनाई जा चुकी है। उनको सजाने के लिए जो कारीगर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार ऊपर मंदिर में जो मंदिर का जो कलश है ऊपर छत पे उस कलश को सजाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। गेंदे के फूल वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कुछ ही घंटे बचे हैं जो बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे। कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि यहाँ पर खुल जाएंगे। इसमें धाम में जो जो उद्धव जी की जो डोली होती है 100 डोली वो यहाँ धाम पर पहुँच चुकी है। जो गाड़ू खड़ा होता है जो तेल निकाला जाता है जिस तेल को अखंड ज्योति में डाला जाता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। सुबह सबसे पहले गणेश जी की पूजा यहाँ पर होगी, उसके बाद मंदिर के घाट यहाँ पर खुलेंगे। जो मंदिर से बाहर आएगा उसके अलावा कुबेर और उद्धव जी की जो डोली है वो अंदर यहाँ पर आएगा। अगले 6 महीने ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम में यहाँ पर गुरुवार सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर भक्तों की बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। इंडिया वाइज की टीम चार धाम की स्पेशल कवरेज के लिए निकली है। केदारनाथ धाम के बाद अब इंडिया वाइज की टीम बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। धाम के रास्ते में जो ऑल वेदर रोड के काम हो रहे हैं तेज गति से काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऑल वेदर रोड के इन कार्यों के चलते जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें जाम जैसी समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ रहा। पूर्व में जाम जैसी समस्या से उन्हें रूबरू होते थे, घंटों लंबा जाम यहाँ पर लगा रहता था, लेकिन ऑल वेदर रोड के बनने से सीधे तौर पर वो जाम की समस्या खत्म हो गई है। हाँ, हालांकि कुछ जगहों पर जहां पर अभी भी काम चल रहा है वहां पर थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें उठानी पड़ सकती है। जाम के ये कह सकते हैं कि कार्य निर्माण कार्यों के चलते वो थोड़ी देर उन्हें रुकना पड़ सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो रोड के चौड़ी होने के कारण जाम जैसी समस्या लगातार
प्रशासन इस बात के दावे यहाँ पर कर रहा था, लगातार इन सब चीज़ों की तस्वीर यहाँ पर कर रहा था कि ऑलवेदर रोड के चलते इस बार उत्तराखंड में ये चार धाम यात्रा होगी और सुगम होगी, सरल होगी और लगातार उसके प्रदर्शन प्रयास यहाँ देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये कोशिश सरकार की यही है कि जो श्रद्धालु और यात्री यहाँ पर आए उनकी यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके और वो सब चीज़ें धरातल पर होती हुई दिख भी रही है। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, चमोली। देश में कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना पर ताजा आंकड़ों के साथ जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,629 नए मामले आए हैं, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 61,013 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में जो है अभी जैसे ही उछाल आई थी वह अब थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से और सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, लोगों से कोताही बरतने की अपील कर रही है, उनसे सावधानी बरतने की अपील कर रही है और इसी क्रम में जो है कोरोना के मामलों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि राहत की बात अभी भी नहीं है क्योंकि यह वायरस कब कितनी तेजी से फैल जाए इसका कुछ भरोसा नहीं। एक तरफ जहां कम होता है तो वहीं दूसरी ओर जरा सी भी लापरवाही इसमें समस्या खड़ी कर सकती है। भारत में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली थी, हालांकि अब यह ताजा मामलों में से पता चलता है कि इसमें थोड़ी राहत है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है तमाम गाइडलाइन पालन करने की और अब जहां कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे थे तो वहीं थोड़ी सी राहत जरूर यहां देखी जा सकती है। कोरोना के लेकर डॉक्टर लगातार लोगों से कह रहे हैं, जहां सावधानी करने की अपील करें तो वहीं डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि मौत के आंकड़ों में जो है अभी इस तरह का कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है और इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। पुलिस की अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें पुलिस ने थाना सासनी गेट्स में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर। अलीगढ़ पुलिस की अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि थाना सासनी गेट के महेंद्रनगर इलाके में पुलिस ने एक बड़ी हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला सामने तब आया जब एक हरियाणा पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ पकड़ा और पकड़ने के बाद जब इसकी सूचना अलीगढ़ से मांगी गई तो अलीगढ़ पुलिस ने भी मामले की गहन छानबीन की तो पता चला कि आरोपी के अनुसार आरोपी ने अपने जो उसका घर है वहाँ पर एक हथियार की बड़ी फैक्ट्री बना रखी है। हालांकि पुलिस ने वहाँ जाकर मौके पर जब कार्रवाई की तो पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान के साथ तकरीबन 27 तमंचे तैयार मिले। इसके अलावा काफी भारी संख्या में कारतूस और अन्य जो पुर्जे होते हैं जिससे हथियार बनाया जाता की बरामद हुई। वहीं पुलिस ने कहा कि इस घटना में आरोपी के साथ साथ कई और लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में जानकारी की जा रही है और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। और एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत का कहना था कि यह जो कार्रवाई है वो ऑपरेशन नकेल के तहत की गई है और इस तरह की कार्रवाई जनपद में लगातार देखने को मिलेगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए बसपा प्रत्याशी के आवास पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए शराब परोसी जारी है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं अमरोहा की गजरौला नगर पालिका से पूर्व विधायक की पत्नी उमा देवी को बसपा ने प्रत्याशी बनाया, जहां पर उनके द्वारा आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अपने आवास पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है जिसके बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा की गजरौला नगर पालिका का है जहाँ पर पूर्व विधायक हरपाल सिंह की पत्नी उमा देवी को बहुजन समाज पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में गजरौला नगर पालिका से अपना प्रत्याशी बनाया, जहां पर उनके आवास पर वोटरों को लुभाने के लिए खुलेआम शराब परोसी जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज हुई, जिसके बाद आवास पर भगदड़ मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ शराब परोसी जा रही थी, जिसके चलते वहां पर पुलिस की गाड़ी के सायरन से भगदड़ मची है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वहीं जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो जिम्मेदार पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग या अमरोहा प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में सरकार द्वारा खोले गए सरकारी गेहूं खरीद केंद्र केवल शोपीस बने हुए हैं, ना तो गेहूं खरीद की जा रही है और ना ही कोई व्यवस्था नजर आती है। परेशान किसान अपनी फसल को औने पौने दामों में दुकानों पर बेचने को मजबूर हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं
हमारे संवाददाता जसमीत सिंह। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो केंद्र खोले गए हैं उन पर न बारदाना है न कर्मचारी, कई केंद्र तो बंद पड़े हैं और कुछ केंद्रों पर थोड़ी बहुत खरीद हुई है। इसे लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दावे कहीं ना कहीं हवा हवाई है। कुछ केंद्रों पर जो किसान है वो चक्कर काट करके औने पौने दामों में आड़तों पर अपने गेहूँ को बेच रहे हैं, तो गेहूँ की फसल को लेकर के किसान चिंतित है, हैरान है, परेशान है। आने वाले दिनों में किस तरह ये व्यवस्था सुधरेगी ये सोचने वाली बात है। नहीं कि साथ में किसान ये भी कह रहे हैं कि यदि ये स्थिति रही तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बार भी भारी लॉस उठाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जो सरकार ने मूल्य घोषित किया है वो मूल्य कहीं ना कहीं कम भी है और उसका वाजिब दाम तब मिलेगा जब सरकारी खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएँ बनाई जाए। आने वाले दिनों में कब तक व्यवस्था बनेगी, कब तक ये व्यवस्था सुधरेगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल स्थिति खराब है। जसवीर सिंह इटावा अक्सर। गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है तो वहीं गुलदार ने घर में घुसकर बच्ची पर हमला किया जिसमें बच्ची की मौत हो गई है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। जिले में इन दिनों गुलदार ने आतंक मचा रखा है। गुलदार के हमले से जहां चार लोगों की जान चली गई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, साथ ही तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका अस्पतालों में अलग अलग इलाज चल रहा है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो रेहड़ इलाके में देर रात लगभग 9 बजे मछमार गाँव में गुलदार एक घर में के आंगन में घुसा और वहाँ पर खेल रही एक बच्ची को उठा करके ले गया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर के परिजन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गुलदार के पीछे भागे तो गुलदार बच्ची को छोड़ करके भाग गया। साथ ही जब तक परिजन वहाँ पर पहुँचे जब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरा हादसा बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में आज सुबह लगभग 7 बजे उस वक्त हुआ जब गांव का रहने वाला एक शख्स मंदिर जा रहा था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा तभी जंगल से निकल कर गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया जिससे हमले में उस शख्स की मौत हो गई। पिछले 12 घंटे के अंदर गुलदार के हमले से जहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही पिछले एक सप्ताह के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं और वन विभाग से लगातार वो गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी आज पूरी टीम के साथ सर्चिंग अभियान व ट्रैंकुलाइज गन के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और पिंजरा लगा करके ट्रैप कैमरा लगा करके गुलदार को पकड़ने की बात कह रहे हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलट गया। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता। के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अरतरा गांव NH 34 पर हादसा हुआ। दोनों ट्रकों आमने सामने भिड़त होती है, इसके बाद जो ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं उसी ट्रक पर फंस जाते हैं। हादसा बहुत ही ख़राब था और जो हादसा हुआ था उस पर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों फंस गए थे और जैसे ही ग्रामीण वहाँ से निकलते हैं जो राहगीर होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और दोनों लोगों को गैस कटर द्वारा बाहर निकालती है और जो सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनको भर्ती कराती है। भर्ती कराने के बाद उनका इलाज चलता है तो वहाँ से रिफ़र कर दिए जाते हैं हमीरपुर जिला अस्पताल। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, दोनों की हालत काफ़ी ठीक है और पूरा हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अरतरा गाँव के पास हुआ था। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां खड़े डंपर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी जिसमें 2 की मौत हो गई। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह। भीषण सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें उन्नाव के थाना अजगैन के कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित नवाबगंज के पास एक डंपर में पीछे से ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी जिससे डंपर चालक व मालिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर फौरन पुलिस पहुंची और शवों को निकाल कर रेस्क्यू किया गया और उनको जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि उन्नाव के थाना अजगैन क्षेत्र के कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित नवाबगंज के पास एक डंपर में ट्रक का चालक उसका टायर बदल रहा था तभी अचानक तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर एक पीछे से ट्रक ने आकर डंपर में टक्कर मार दी जिससे डंपर में मौजूद ट्रक चालक व मालिक मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं इस पूरी घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया। हालांकि तुरंत सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तुरंत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र की तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा कर दर्दनाक मौत हो गई। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर। में एक बार फिर देखने को मिला रफ्तार का कहर। आपको बता दें, पूरा मामला थाना बरला क्षेत्र के बरला मोड़ का है, जहां पर एक पिता पुत्र बाइक पर सवार होकर अपनी बहन की शादी के लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए उसके ससुराल जा रहे थे कि तभी अचानक से सामने से ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर में दोनों वहाँ घायल हो गए, गिर गए। उनके पीछे उनके जो अन्य भाई थे, दो अलग बाइक पर सवार हो गए थे, उन्होंने जब ये घटना देखी तो उन्होंने जाकर ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश की। वहीं ट्रैक्टर एक्सीडेंट के बाद में भागने की कोशिश करने लगा, तभी ट्रैक्टर पलट गया और वहीं गिर गया। हालांकि जो ट्रैक्टर जो चालक थे, जो उस पर मौजूद थे, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ट्रैक्टर है मौके पर खड़ा रहा। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के लिए ले जाते समय एक की मृत्यु मौके पर हो गई और वहीं पिता की मृत्यु अस्पताल पहुंचते हो गई। वहीं इस घटना से पूरे परिवार में शादियों का घर था, वहां कोहरा मच गया, हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शवों को पंचनामे के लिए भेज दिया और जो फरार ट्रैक्टर ड्राइवर उसकी तलाश जारी है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। हादसे कभी कभी कोहराम का रूप ले लेते हैं, तो वहीं आगरा में भी ऐसा ही हादसे ने एक परिवार में कोहराम मचा दिया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। हादसे कभी कभी ना कोहराम का उदाहरण देखे जाते हैं। आगरा से घटना सामने आई है, जब एक परिवार सो रहा था, छत गिरी, उसके बाद पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया तो एक महिला और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया और कहीं ना कहीं बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आयुष 4 साल और पुनीत 18 साल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आपको तस्वीरें बता दें कि मौके वारदात पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से छत जो टूटी दिखाई दे रही है, सामान बिखरा हुआ है। इसी में परिवार सो रहा था, करीब 6 लोग बताए जा रहे थे। कहीं ना कहीं पुरानी छत होने के चलते ये हादसा सामने आया है और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए बड़ा हादसा माना जा रहा है। परिवार के दो बच्चे परिवार ने खो दिए हैं, पूरा परिवार मातम से गुजर रहा है। आसपास के लोग लगातार छत की जर्जर अवस्था को देखने आ रहे हैं। फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परिवार के बीच में जो संकट गुजर रहा है, ये कहीं ना कहीं इस हादसे का सबसे बड़ा सबक दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।